हाथों में चंदे के डिब्बे, शहर की मेन रोड पर रैली, रास्ते पर जमा किया जा रहा है चंदा। आखिर इसकी वजह क्या है? अपने शासक के खिलाफ नारेबाजी करते संगठन के लोग अपनी मांग पूरी करने के लिए विरोध कर रहे हैं। ये कोई समारोह का चंदा नहीं, अलंद और आसपास के गांव में सड़क ना बनने पर तकलीफ झेल रहे लोग शहर की मेन रोड पर सड़क के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। जब पूछा गया तो बताया कि MLA फंड ना होने की वजह से चंदा इकट्ठा कर ये लोग शासक को देंगे। गंज बस स्टैंड से लेकर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक चली इस रैली से चंदा इकट्ठा कर डिप्टी कमिश्नर को मेमोरेंडम दिया गया। हम आइंद चिंतक तरीके से आज अलंद तालुके के गांव अभी हेबली मंटकी मिरगुड़ी बन्नेशुरूर शुक्रवाड़ी देगांव बसुसंगोगी ऐसे बहुत से गांव में अभी तक 10 साल और 20 साल से रास्ता नहीं बना है। इसके वजह से हम फिलहाल हमारे MLA साहब को पूछे तो वो बोल रहे कि हमारे MLA फंड में पैसा नहीं है, इसके वजह से वो रोड नहीं बना रहे, ऐसा बोल के वो चुप बैठे हैं। इसके लिए हम आइन संगठन से हम क्या कर रहे हैं, सभी लोगों से गुलबर्गा के सभी नागरिकों से हम पैसा इकट्ठा करके हम जिलाधिकारी से वो पैसा हमारे आलम तालुके के MLA के फंड में जमा करेंगे। इस जमा करने से तो हमारे आलम के बहुत से गांव को रोड बनाएंगे। ये जो पैसे जमा कर रहे हैं ये पैसों का क्या करेंगे आप? ये पैसा हम MLA साहब के फंड में डालेंगे, आलम तालुके के MLA। वो उससे वो क्या बोलते हैं, वो शर्म आके हमारे आलम तालुके के खेड़े गांव को वो बोलते हैं कि हम सिद्धरामैया सरकार से 1,002 करोड़ रुपए हम आलम तालुके के लिए लेके आए, वो पैसा किधर गया? हमारे गांव को रोड नहीं है, अभी हमारे को आज़ादी मिलके 70 साल हो गया फिर भी अभी तक बेंडेश्वर गाँव को अभी तक रास्ता नहीं है, ये क्या कर रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ इस समय में माने हमारे MLA साहब को, इसके लिए उनको पैसा कम पड़ गया, इसके लिए वो चुप बैठे हैं। इसके लिए हम सब लोगों से चंदा इकट्ठा करके हमारे MLA साहब को देंगे, वो भी तो हमारे गांव का प्रगति होगा, वह हमारे गांव में रास्ता बनाएंगे। इसके इस रास्ते से वजह से हमारे माँ बहन रोज एक एक्सीडेंट में मर रहे हैं और इसमें क्या है, डिलीवरी पेशेंट रास्ते में डिलीवरी हो रहा है, इसके वजह से हम हमारे गांव में रास्ता बनाऊँ मैं MLA साहब बोल के इस संगठन से हम उनको ये कर रहे हैं। आप MLA साहब से अप्रोच हुए थे, लोकल बॉडी से कोई अप्रोच हुए थे आप इस बारे में? हम जिला अदालत को और DC को और जिला उस्तूरी सचिव को तहसीलदार को सभी से नीचे से इतने पैसों में तो रोड नहीं बन सकती है ना, इतने पैसे में तो रोड नहीं बन सकता है, मगर वे पैसा डालने से उनको शर्म आके हमारे गांव का अभिवृद्धि करेंगे, वो हमारे गांव में रोड बनाएंगे, हमारे गांव में पानी का व्यवस्था करेंगे, हमारे गांव को करंट का व्यवस्था करेंगे बोल के हम इससे तो शर्म आके हमारा आलम तालुका क्या है अभिवृद्धि होने बोल के हम इस संगठन से और इस प्रतिभटन से उनको इतला